नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब लोग ठीक हो ना? ओके, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। पूरी एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। सीबीएसई वालों के लिए इसमें स्टार्टिंग के दो तीन क्वेश्चन ही है, बाकी कोई भी नहीं है, मैं बता दूंगा। बाकी गुजरात बोर्ड वालों के लिए मोस्ट 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 आईएमपी एक्सरसाइज। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखो, सीबीएसई वालों के लिए है ही नहीं, रीजन बताता हूँ क्योंकि क्या सॉल्व करना है आपको। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम उसको सॉल्व करना है, तो सीबीएसई वालों को तो वो कट हो चुका है, गुजरात बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, तो सीबीएसई वाले थोड़ा चेक करते रहिए। ओके डन। तो सबसे पहले अब तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, 2x² - 7x + 3 = 0। फिर हम रफ वर्क में क्या फाइंड करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, थर्ड टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 × 1st टर्म। मिडल टर्म मतलब -7 का स्क्वायर, 4 × 1st टर्म इज 2, मतलब 49/8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एड एंड सब्ट्रैक्ट। बेटा ये -7 का स्क्वायर + 49 होगा, याद रहेगा ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। एड एंड सब्ट्रैक्ट 49/8 इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, 2x² - 7x + 3 + 49/8 - 49/8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 8 2 16x² 8 7 56x 8 3 24 + 49 - 49 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। इस 8 को दूसरे साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 16x² - 56x + 24 + 49 - 49 = 0। याद रख, सबको याद है। अब क्या स्टेप, 1, 2 का 4, पहले चलो इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सब लिख लो हाँ फिर। ओके, 1, 2 का 4, पहला देखो आपके पास 16x² है, 16x² किसका होगा, 4x का। फिर है माइनस सेकंड की साइन, 4 से आपका 49, मतलब 7 का स्क्वायर बचा गया आपके पास, बचा आपके पास 24 - 49। बताओ 24 - 49 कितना होता है, -25 = 0। तो ये -25 उस साइड चला जाएगा, तो 4x - 7 का होल स्क्वायर = 25। स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे बेटा, 4x - 7 = +/√25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 7 = +/√25 = 5। तो देयरफॉर एक बार क्या होगा, 4x - 7 = 5, दूसरी बार क्या होगा, 4x - 7 = -5। हाँ, आप, मैंने आपको आगे एक और मेथड भी सिखाया, वो मेथड से भी कर सकते हो, उससे आपके ये स्टेप्स बच जाएंगे। -7 को उसे लेके जाओ तो 4x = क्या होगा, +7 + -5। 4 को नीचे लेके जाओ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 + -5/4। तो देयरफॉर एक बार क्या लिखेंगे, 7 + 5/4, और दूसरी बार क्या लिखेंगे, 7 - 5/4। व्हाट इज 7 + 5, 12/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। व्हाट इज 7 - 5, 2/4, कट करोगे तो हाफ। तो दो रूट्स कौन से निकले, 3.5। वो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मुझे मत बताना। क्लियर हो गया? ओके डन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये स्टार्ट कर दे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो, 2x² + x - 4 = 0। रफ पर थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 × 1st टर्म। मिडल टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 × 1st टर्म क्या है, 2। बच्चे एक्स स्क्वायर और एक्स भी लिख के आते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है, ये सारे कोफिशिएंट है। सो 1/8 डन। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/8 इन द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, 2x² + x - 4 + 1/8 - 1/8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16x² + 8 1 जा 8x - 8 4 जा 32 + 1 - 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 0।
अब ये 8 बंदा तो उस साइड चला जाएगा, तो 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 32 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 2 का 4, 4 2 का 4, 2 का 1। माय नेम इज यशकर नॉट लखन। ठीक है, अब देखो ये 16x स्क्वायर किसका होता है, 4x का। इस सेकंड से हम क्या लेते हैं साइन, और फोर्थ 1 किसका, 1 का स्क्वायर। माइनस 32 माइनस 1 कितना बचेगा, माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ओके चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्या आया क्वेश्चन, आया सॉरी लास्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू 0। माइनस 33 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33। स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33। अब देखना प्लस 1 उस साइड भेज देंगे तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33। आप बोलोगे सर आप माइनस 1 इधर ही क्यों लिख रहे हो, उस साइड क्यों नहीं लिख रहे, लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू ये 4 अब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 33 बाय 4। तो देयरफॉर एक बार x की वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 33 बाय 4, और दूसरी बार x की वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 33 बाय 4, दो वैल्यूज है इजी। अब ये फैक्टराइजेशन से जिंदगी से ना निकाल पाओ ये, इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसलिए इजी। ओके आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है आंसर, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रफ वर्क, थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म का स्क्वायर क्या है, 4 रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 4। फर्स्ट टर्म क्या है, 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बता दो, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 48, अपॉन 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, डन। तो इन दोनों को कट करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और आपके पास ऑलरेडी 3 है ही, मतलब ये हम यहां पे चल एक काम करते एड एंड सब्ट्रैक्ट 3 इन द क्वेश्चन, बट बेटा हमें चाहिए ही 3 कंप्लीट द स्क्वायर करने के लिए, तो ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा आपके पास ऑलरेडी ये क्या है, ये आपके पास कंप्लीट द स्क्वायर ही है। कंप्लीट द स्क्वायर मतलब ये देख लो, ये किसका स्क्वायर होगा, ये 2x का, इसके हम लेंगे साइन, और 3 किसका होता है, रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, खत्म हो गई बात। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू प्लस रूट 3 उस साइड जाएगा तो माइनस रूट, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 3 बाय 2। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2 एंड माइनस रूट 3 दो बार, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों सेम रूट्स निकलेंगे। क्लियर हो गया बेटा, किसी को डाउट नहीं है ना, चलो पॉज द वीडियो नोट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलो सर ये तो अभी हमने सेकंड किया साइन की चेंज, तो सेकंड वाला नहीं है ये साइन की चेंज, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब क्या होगा, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म बताओ 1, 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4 टू द 8 मतलब 1 बाय 8। तो अब हम क्या लिखेंगे, एड एंड सबट्रैक्ट 1 बाय 8 इन द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 8 इज इक्वल 0। एलसीएम ले लो, 8 2 जा 16x स्क्वायर प्लस 8 1 जा 8x प्लस 8 4 जा 32 प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। 8 को उस साइड लेके जाओ, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 32 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट द स्क्वायर 1 2 का 4, तो 4 16x स्क्वायर किसका होगा, 4x का हो जाएगा, सेकंड की हो जाएगी साइन और 1 का स्क्वायर। 32 माइनस 1 कितना होगा, प्लस 31 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर तक किसी को डाउट बेटा, आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 31 इज इक्वल टू 0 उस साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 31। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। हाँ सर, ऐसे कैसे, वो रूट वाला स्टेप नहीं होगा बेटा, रूट उस साइड लेके जाओगे तो रूट माइनस 31 पॉसिबल नहीं है, ये रूट माइनस 31 पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट, ये रूट माइनस 31 पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो हम आगे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं बोल सकते। कितना इजी था, पक्का आगे बढ़े, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपके लिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सीबीएसई वालों के लिए होगा, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था, ये होगा। किससे करना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसलिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, कितना आया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो आगे बढ़, लेस देन 0 आया तो छोड़ दो, डन, ठीक है, ये स्टेप्स हैं आप। और मैंने ऑलरेडी आपको आंसर्स तो बता दिए, वही आंसर आएंगे, आप चाहे फैक्टराइजेशन करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो, आंसर वही आएंगे, जैसे आपने चैप्टर 3 में देखा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या एलिमिनेशन करो, सबसे आंसर सेम है। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या, एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3, इसका एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ये जाएगा एक्स इस साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, ये इस साइड लेके आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था, x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 1 बाय 0 इनफाइनाइट हो जाता है। अब इसको फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 1, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, अब b स्क्वायर है मेरा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है मेरा 1 और सी है मेरा माइनस 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 वन जा 1, 1 जा 1 मतलब 4, मतलब ये तो आया 13, ग्रेटर देन 0 मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, डन, आगे बढ़े, ओके पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है x, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, x इज इक्वल टू माइनस, बी की जगह पे क्या डाल सकते हैं, माइनस 3, माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें अभी निकला, क्या निकला, 13 निकला, 13 अपॉन 2 और a की जगह पे निकला 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, तो therefore एक बार x क्या होगा 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और दूसरी बार x क्या होगा 3 माइनस रूट 13 बाय 2, डन, कितना इजी था बेटा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन, तो हमारे पास दिया हुआ है 1 बाय x प्लस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाय 13, x की वैल्यू माइनस 4 नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ पे माइनस 4 डालोगे तो माइनस 4 प्लस 4 0 एंड 1 बाय 0 इज इनफाइनाइट नॉट पॉसिबल, 7 भी नहीं हो सकती, 7 माइनस 7 0, 1 बाय 0 इज इनफाइनाइट नॉट पॉसिबल, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 7 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो x प्लस 4 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाय 13, चलो ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो x इंटू x एक्स स्क्वायर 4 इंटू x 4x x इंटू माइनस 7 माइनस 7x माइनस प्लस 4 इंटू माइनस 7 माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाय 30। अब देखो बेटा ये x और ये माइनस x कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 कितना बचेगा माइनस 11, नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाय 30, 11 11 कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1
ये 30 को इस साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा माइनस 30, यहाँ पे कटोगे 1, इसको उस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अब माइनस 30 को दूसरे साइड लेके जाता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो पहले इतना लिख लीजिए, माइनस 28 प्लस 30 कितना होगा प्लस 2 होगा बेटा, चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। हाँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बेटा अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप रीप्ले कर सकते हो, मैंने इसी के लिए छोड़ा है, तो 0 इज इक्वल टू, अब देखो इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा एक्स, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलना है एक्स माइनस 2, जो यहाँ से कॉमन निकला वो कंपलसरी इस साइड से भी कॉमन निकलना है, तो देखो माइनस एक्स में से एक्स चला गया तो बचा गया माइनस 1, तो अब क्या बचेगा एक्स माइनस 2, तो क्या बचा एक्स माइनस 1, तो देयर वो एक बार एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1, खत्म हुआ, ठीक है ओके। चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से ओके। अब यहां से जो सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो सीबीएसई वालों को एक भी नहीं इस साल के लिए, मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकते हैं, इस साल आपको एग्जाम देनी हो तो आपके लिए नहीं है, तो गुजरात बोर्ड वालों के लिए ही है। तो सीबीएसई वाले क्या करें, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, मे बी हायर स्टैंडर्ड में कभी आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी हो या कोई और एग्जाम देनी हो तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का सम करना, रहमान्स एज इन years, 3 years अगो, तो सबसे पहले तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान ले लेते हैं, बी एक्स ईयर, तो 3 years अगो तो क्या लिखेंगे, रहमान्स एज 3 years अगो, 3 साल पहले कितनी होगी एक्स प्लस 3, नेक्स्ट रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, सॉरी 3 years अगो, तो यहां पे बेटा प्लस 3 की जगह माइनस 3 होगी, माइनस 3, और यहां पे क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रेसिप्रोकल मतलब रहमान की एज 3 साल पहले 1/x माइनस 3, सम है इसलिए प्लस, 5 साल के बाद x प्लस 5, उसका एडिशन है 1/3, समझ में आया, रेसिप्रोकल का सम करना है तो इसका सम नहीं करना है रेसिप्रोकल का, तो अब क्या करेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5 इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, चलो x प्लस x कितना होगा 2x, 5 माइनस 3 कितना होगा 2, होल x इंटू x, x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3x, x इंटू 5, 5x एंड 5 जा माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, इतना क्लियर हो गया पक्का, किसी को डाउट, चलो फिर यहाँ पे देखो ये 3 इधर जाएगा ये इधर जाएगा, चलो इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लिया बेटा सबने ओके। तो देखो अब वो 3 उस साइड था तो इधर चला आएगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या था एक्स स्क्वायर, क्या था माइनस 3x प्लस 5x, माइनस 3x प्लस 5x और माइनस 15, चलो 3 टू जा 6x प्लस 6, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 2x और माइनस 15, ये दोनों उस साइड जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x उस साइड गया तो क्या हो जाएगा माइनस 6, माइनस 15 पढ़ाइए प्लस 6 उस साइड गया तो माइनस 6, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस 15 माइनस 6 इज माइनस 21, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, देखो टाइम जब भी कम होता है तो फैक्टराइज ही करने का, अब मैं आपको बता दूं देखो 21 को फैक्टराइज करना है कि 4 आए, तो आपको पता है 7 3 21, टेबल याद करो मिडिल टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस, तो किसमें स्प्लिट होगा
जो स्प्लिट होगा उसमें बड़ा नंबर है वो माइनस होगा और छोटा नंबर प्लस होगा। याद आया? माइनस सेवन प्लस थ्री हो गया सॉल्व। माइनस सेवन प्लस थ्री, किसी को प्रॉब्लम? तो देखो यहाँ पे जीरो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस सेवन। जो वहां से कॉमन निकला वो यहाँ पे कॉमन निकलेगा, बाहर क्या बचेगा, प्लस थ्री। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब इतने सारे क्वेश्चन किए तो देयरफॉर हम इधर इधर सीधा सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एक्स की वैल्यू सेवन और दूसरी बार एक्स की वैल्यू माइनस थ्री। आपको पता है सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू कितना आएगा, सेवन। फैक्टराइजेशन पता चला बेटा, स्पीड ज्यादा नहीं है ना, क्लियर? आगे बढ़े बेटा, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये जो भी हो वो कभी भी एग्जाम में नहीं लिखने का। मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश के कितने मार्क्स है, 30। ओके, अब ये पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो है नहीं, तो हम दो वेरिएबल नहीं लिख सकते, इसलिए दोनों में से किसी एक का मार्क्स ले लो। तो लेट सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स, तो देयरफॉर सेफालिस मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, अगर मैथ्स में एक्स मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे, टोटल मिला के 30 है, तो मैथ्स के मार्क्स माइनस कर दो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हैड सी गॉट टू मार्क्स मोर। ओके, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, टू मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो ओरिजिनल कितना एक्स है, तो दो मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, एक्स प्लस टू, एंड मार्क्स इन इंग्लिश की बात चल रही, एंड थ्री मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो उसको कितने मार्क्स हैं, 30 माइनस एक्स और थ्री मार्क्स लेस, तो माइनस थ्री हो जाएंगे, तो 30 माइनस थ्री कितने हो जाएंगे, 27 माइनस एक्स, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210। इनका नहीं, जो न्यू मार्क्स है उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब किसका, x प्लस टू और 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। ठीक है, x इंटू 27 कितना होगा, 27x प्लस 2 इंटू 27 कितना होगा, 54, x इंटू माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं रहता, सब उस साइड लेके जाओ, तो x स्क्वायर, अब देखो बेटा 27x माइनस 2x, तो उस साइड 25x उस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 210 प्लस 54 उस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 54। कितना क्लियर हो गया, डन। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ, देखो माइनस 25x और 210 माइनस 54 कितना होता है, 210 में से 50 गया तो 160, 160 में से 4 गया तो 156, तो कितना होगा, माइनस 25x माइनस 156 को स्प्लिट करो। ओके, 156 को 2 से डिवाइड करो तो ये होगा 78, इसको वापस 2 से डिवाइड करो ये होगा 39, इसको 3 से डिवाइड करो 13 से 1, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 13 25 है सर, ये तो वाह सर, ये तो बहुत ही इजी ट्रिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x ये प्लस आएगा, माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156, देख लो जब कभी भी बीच में माइनस और लास्ट में प्लस तो दोनों नंबर माइनस में स्प्लिट होंगे, तो 0 इज इक्वल टू इसमें से क्या निकाल सकते हैं, x, x माइनस 13, यहां से भी क्या निकाल सकते हैं, x माइनस 13, तो बाहर क्या निकलेगा, माइनस 12। तो देखो दोनों में से कॉमन क्या निकला, x माइनस 13 और दूसरे साइड क्या निकला, x माइनस 12, तो देयरफॉर एक बार x इज इक्वल टू 13 और एक बार x इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट केस, इफ x इज इक्वल टू 13 तो मैथ्स के मार्क्स कितने होंगे,
एक्स इज इक्वल टू 30। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस एक्स मतलब 17। देखो दोनों का मिलकर हो गया। दूसरी बात, इफ एक्स इज इक्वल टू 12 तो मैथ्स के मार्क्स कितने होंगे, 12 होंगे। और इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 12 कितना होगा, 18। हमेशा मैथ्स में ही कम मार्क्स आता है सर, इंग्लिश में तो ज्यादा मार्क्स आते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो मैथ्स के साथ है। आई होप अभी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये डायगोनल, ठीक है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज ऑल्सो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। देखो एग्जाम में नहीं लिखने का, डायगोनल इज इक्वल टू 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड मतलब शॉर्टर साइड प्लस 60, एंड लॉन्गर साइड भी कितनी होगी, शॉर्टर साइड प्लस 30 है। तो बताओ किसको एक्स मानोगे। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी एक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। तो देयरफॉर डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स या एक्स प्लस 60, शॉर्टर साइड प्लस 60 है ना, तो एक्स प्लस 60 वो भी क्या मीटर है। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 60। फिर लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी आपकी, देखो शॉर्टर साइड प्लस 30 मतलब एक्स प्लस 30 मीटर। ये लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30। आपको पता है डायगोनल में क्या होता है, रेक्टेंगल में एक एंगल 90 होता है, ठीक है। सो इसको मैं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी और इसको मैं डी नाम दे देता हूँ। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थियरम पता है ना बेटा सब लोगों को, क्या होगा हाइपोटेनस क्या है उसका, तो डायगोनल उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। ये 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेनस, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर कितना है, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, ए बी कितना है, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, और बी सी कितना है, एक्स का स्क्वायर। डन, चलो बेटा लिख लीजिए जल्दी से। ओके, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 60 का स्क्वायर है इसलिए 3600। x प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज इक्वल टू के इस साइड। तो यहाँ पे क्या बचा, 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इस साइड है तो इन सबको उस साइड शिफ्ट कर दो, ये जीरो, एक्स स्क्वायर बचेगा, 120 उस साइड जाएगा तो माइनस 120, तो प्लस 60 माइनस 120 प्लस 900, ये 3600 उस साइड जाएगा तो माइनस 3600। तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 60 माइनस 120 कितना हो जाएगा, माइनस 60 माइनस 900 प्लस 900 माइनस 3600 कितना हो जाएगा, माइनस 2700। तो देयर, अब इसको स्प्लिट करना। अब जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक लिख लेना ट्रिक, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 है ना, अगर यहाँ पे एक जीरो हो और यहाँ पे दो जीरो हो तो कट कर दो, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 बचा ना। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 27 9 3 27, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9x प्लस 3x माइनस 27। अब आपका तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जीरो डाल दो। अभी देखो 90x प्लस 30x माइनस 2700 चेक कर लो, 90 माइनस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60x और 90 30 का कितना हो जाएगा, 2700। ये आपकी एक ट्रिक है, अगर बीच में एक जीरो लास्ट में दो जीरो तो निकाल लो और सॉल्व करो, बाद में जीरो डाल लो,
ठीक है, जल्दी से पहले ये ट्रिक लिख लो, फिर ही मैं आगे बढ़ाता हूं। लिख लिया सबने ट्रिक? ओके डन। तो हमारा अभी किसमें स्प्लिट हुआ था याद करो, तो देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। अब चेक करो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो x माइनस 90, जो यहां से कॉमन निकला वो यहां पे कॉमन निकलना कंपलसरी है, तो प्लस क्या बचा 30। जीरो इज इक्वल टू, अब यहां पे चेक करो क्या बचेगा, x माइनस 90 और x प्लस 30, तो देयरफॉर एक बार x इज इक्वल टू 90 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 30। साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 मतलब हमारी शॉर्टर साइड क्या हो गई 90 मीटर, लॉन्गर साइड का फॉर्मूला क्या है x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना 120 मीटर, और डायगोनल उसको हमने क्या लिया x प्लस 60, x है आपका 90 मतलब 90 प्लस 60 150 मीटर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा? ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है, 31 मिनट्स ही हुई है। चलो चलो ये तो लेक्चर खत्म ही कर देंगे भले एक घंटे का हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया बेटा? ओके आगे बढ़ते, देखो तो क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिफरेंस। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लार्जर नंबर होगा और ये स्मॉलर नंबर होगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स, किसको आप x लोगे, मैं तो बोल रहा हूँ लार्जर नंबर को लोगे, स्मॉलर नंबर को नहीं ले सकते, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेट लार्जर नंबर बी x, हो गया ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर हमने किसको लिया x को, तो देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिल गया, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर का स्क्वायर, देखो ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना, समझाने के लिए लार्जर नंबर मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस, अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यहां पे करते हैं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है और ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही 8x है, बच्चे 8x का स्क्वायर करके आप गलती से, ये आप मत करिएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, देखो हो गया सॉल्व, x स्क्वायर माइनस 8x 180 इस साइड आएगा तो माइनस 180 इज इक्वल टू 0, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल स्प्लिट, सिंपल स्प्लिट माइनस 18 प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, 18 टेन जा 180 और माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8, एक्स कॉमन x माइनस 18 यहाँ पे भी x माइनस 18 प्लस क्या आएगा 10, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, हो गया, तो देयरफॉर एक बार अरे यार सीधी लाइन नहीं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 10, ओके डन। अब माइनस 10 नॉट पॉसिबल क्योंकि देखो 8 इंटू माइनस 10 तो माइनस 80, नो नंबर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to 18, तो लार्जर नंबर हमें क्या मिल गया, लार्जर नंबर मिल गया 18, तो स्मॉलर नंबर का फॉर्मूला क्या है 8 into x, तो 8 into 18 कितना, स्मॉलर नंबर का ये स्क्वायर है
तो ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इनटू 18, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 144 किसका होता है 12 का, ठीक है, डन, इजी बेटा, चल पॉज द वीडियो नोट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल में लिए थे टाइम वाले, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज में वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आया था कि हाउ टू फॉर्मुलेट, तभी भी हमने ये क्वेश्चन देखे थे। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 4-5 किलोमीटर पर आवर मोर, ताकि नहीं सेम टू सेम, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम t1 फाइंड करेंगे, t1 क्या होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, कितनी हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 360 अपॉन x, t2 किसको मानेंगे बेटा, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद इंक्रीज्ड स्पीड, तो t2 का फॉर्मूला क्या आएगा, 360 अपॉन x प्लस 5, तो therefore आपको पता है t2 इज इक्वल टू t1, अब देखो t2 के नीचे प्लस है, तो यहाँ पे t1 के बाद माइनस आएगा 1, तो देखो 1 आर लेस लग रहा है, यही तो खूबी है कि भाई ये लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपके फिट होते जाएंगे, t2 की जगह पे 360 बाय x प्लस 5, t1 की जगह पे 360 बाय x और माइनस 1, अब क्या करेंगे, माइनस 1 को इससे लिखेंगे और इसको इससे लेके जाएंगे, ठीक है, चलो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं, डन, 1 को इससे लेके 360 बाय x तो इधर ही पड़ा है, उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस 360 बाय x प्लस 1, 1 इज इक्वल टू क्या कॉमन निकालूंगा, 360, 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 360, एलसीएम ले लो बेटा, x प्लस 5 माइनस x और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x प्लस x कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 360 इंटू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, 1 इज ओके, ये x स्क्वायर प्लस 5x को इस साइड लेके जाऊंगा, x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1, 360 इंटू 5 कितना होगा, 1800, हाँ जी हाँ, तो 35 था 15 एंड 63 था, ओके ये इस साइड आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, अब इसको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट के लिए मैंने आपको एक ही मेथड सिखाया है, 45 इंटू 40 पता भी देता हूँ बट कैसे आया वो देख लेना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 900, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 450, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 225, अब 2 से नहीं होगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 75, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 2 4 4 2 8 8 5 45 3 3 9 9 5 45 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
बहुत ही इजी लगता है, फटाफट से हो जाता है। यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन, तो x प्लस 45, यहाँ पे x प्लस 45 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 40। ठीक है, चलो बेटा इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका रफ वर्क है, एग्जाम में साइड में करना है या फिर पीछे करना है। ओके, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40। तो क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव,
तो ये माइनस 45 वाला तो चला जाएगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर। अब देखो यहाँ पे सिर्फ स्पीड पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन में इंक्रीज भी स्पीड भी पूछेंगे, तो इंक्रीज स्पीड क्या दी, x प्लस 5, तो वो डाल देना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो करो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जैसे आपको पता है ना, थर्ड चैप्टर में मैन वुमेन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें वो क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। 40 मिनट हुए हैं, अभी और 10 मिनट लगेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 93/8 आवर्स। ये टंकी है, ये वाटर टैप, ये छोटा वाटर, बड़ा वाटर टैप और छोटा वाटर टैप मिलके इस पूरी टंकी को कितने टाइम में भर देता है, 93/8, 8 9 72 and 3 75/8 आवर्स। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ये लार्जर डायमीटर और ये कौन सा है, स्मॉलर डायमीटर। अब ये सी बात है, अगर इन दोनों को अकेला स्टार्ट करेंगे, मान लो अभी फॉर टाइम बीइंग ये बंद पड़ा, तो ये टैप को कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन को मान लेते हैं 25 घंटे लगे, तो लार्जर वन को तो उससे कम ही लगेंगे, कितना, 10 घंटे का मतलब 15 घंटे। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या मानेंगे, ओके, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली, फिल द टैंक अलोन आएगा, सेपरेटली नहीं अलोन, बी एक्स आर। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक अलोन वो कितना हो जाएगा, स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम, मतलब एक्स माइनस टाइम। याद करो मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा ही फाइंड करके फिर बोला था कि तो भाई एक घंटे में, देयरफॉर सो इन वन आवर स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक, कितना टैंक फिल करेगा, तो देख लो ना एक्स आवर्स में वो एक टैंक पूरा फिल कर रहा है, तो एक घंटे में वो कितना टैंक फिल करेगा, 1/x। सिमिलरली इन वन आवर लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू कितना, 1/x-10, एक घंटे में वो भी इतना करेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना बेटा, और पूरा टैंक भरने में इतना टाइम लगता है, तो एक घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा, 1/75/8। 75/8 में पूरा टैंक भरा जा रहा है, तो एक घंटे में कितना भरा जाएगा, 1/75/8। तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम में नहीं लिखना है, ओके। अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन वन आवर प्लस अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन वन आवर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड इन वन आवर। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक घंटे, तो अमाउंट ऑफ एक घंटे में वो लार्जर टैंक कितना भराता है, 1/x-10, एक घंटे में स्मॉलर टैंक कितना भरता है, स्मॉलर टैंक 1/x, और एक घंटे में पूरा टैंक कितना भरेगा, 75/8। मोस्ट आईएमपी। बच्चे यहाँ पे 1/75/8 की जगह पे क्या लिख के आते हैं पता है, सिर्फ 75/8 करके आते हैं, और आंसर नहीं आएगा, गारंटी बोल देता हूँ। जैसे वहां पे मैन वुमेन में 4 डेज का 1/4 लेना आता है, इजिकल टू 4 नहीं लेता, यहाँ पे भी वही होगा ना, एक दिन की बात है,
ये देखो इधर क्या होगा, ये x इसके साथ चला जाएगा प्लस, ये x इसके साथ चला जाएगा x माइनस टेन होल अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे x माइनस टेन इंटू x, और 75 बाई 8 का क्या हो जाएगा 8 अपॉन 75, x प्लस x कितना होगा 2x माइनस टेन, x इंटू x x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75, 2 में कॉमन निकाल लो x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 बाय 75, 2 और 8 कैंसिल हो गए 4, ठीक है। चलो बेटा इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। ओके बेटा ऐसा कुछ है आपके पास तो देखो 75 को मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू एक्स 75x माइनस 75 फाइव जा 7 फाइव जा 35 एंड 5 फाइव जा 375 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस 40x, इन सबको दूसरे साइड लेके जाओ तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x माइनस 375, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 75 कितना होगा 115x और माइनस 375। अब फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक, आपको क्वाड्रेटिक करना है तो करो, मेरा फैक्टराइजेशन फेवरेट है। 375 इंटू 4, 4 फाइव जा 20, 7 फोर जा 28 एंड 2 30, 4 3 जा 12 एंड 1500, 1500 को स्प्लिट करोगे 115 है, 15 इंटू 100 0 इज इक्वल टू कितना सिंपल है देख लो, हो गया ना 15 इंटू 100 माइनस 15x माइनस 100x। हाँ ये एक और बड़ी गलती, 15 इंटू 100 नहीं कर सकते, उसका रीजन है कि देखो यहाँ पे माइनस 375 है तो बड़ा माइनस होना चाहिए छोटा प्लस होना चाहिए, तो ये मेरे से गलती हो गई। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। छोटी सी प्रॉब्लम, माइनस 375 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, तो 0 इज इक्वल टू इसको मैं अब क्या स्प्लिट कर सकता हूँ, हाँ अब देखो माइनस 15x माइनस 100x प्लस 375, बीच वाला माइनस लास्ट वाला प्लस तो ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 0 दोनों में कॉमन क्या निकलेगा बेटा, दोनों में कॉमन निकलेगा x, सो 4x माइनस 15 और यहाँ पे भी 4x माइनस 15, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 25, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15, तो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिखेंगे एक बार x इज इक्वल टू 25 और दूसरी बार x इज इक्वल टू 15 बाय 4। अब ये 15 बाय 4 कितना होता है पता है बेटा 3.75, ये नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि बड़े वाले टाइप को x माइनस 10 लग रहा है तो इसको माइनस करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप अलोन टू फिल टैंक इज इक्वल टू 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय, आप ऐसे मत लिखना डिटेल में लिखना, लार्जर टैप अलोन टू फिल द टैंक कितना होगा 15 आवर्स, क्यों 25 माइनस 10 15, क्लियर पक्का, चल पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। अब यहां पे देखो दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है, बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। देखो एक्सप्रेस ट्रेन एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में दी हुई है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन उसको हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन बेटा, एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी x प्लस 11 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर ही है, सो टाइम t1 क्या लेंगे, टाइम टेकन बाय कौन सा ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, सो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x है उसकी, ओके okay, t2 किसको मानेंगे, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन को क्या लगेगा x प्लस 11 क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो देयरफॉर आपको एक ही फॉर्मूला पता है t2 इज इक्वल टू t1 माइनस, क्योंकि देखो t2 के नीचे प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 1 आवर लेस, हो गया सेटिस्फाइड, सो t2 आपका है 132 बाय x प्लस 11, t1 है आपका 132 बाय x और माइनस 1,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इतना लिख लीजिए फिर सॉल्व करते हैं बेटा। ओके माइनस वन जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस वन, इस साइड क्या बचेगा 132 बाय एक्स माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 कॉमन निकालूंगा तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 11। 1 इज इक्वल टू 132 एक्स प्लस 11 जाएगा ऊपर माइनस एक्स इस साइड जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। 1 इज इक्वल टू 132 इंटू 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। बेटा स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन है तो स्पीड भी मेरी भी एक्सप्रेस हो जाएगी। सिंपल सी बात है एलसीएम लेना, ये ऊपर गया ये ऊपर गया माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इधर जाएगा सो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स 132 इंटू 11 कितना होगा 1320 और 1452। डन। किसी को कुछ प्रॉब्लम 132 इंटू 11 कितना होगा 1320 प्लस 100 1420 प्लस 30 1450 1452। ठीक है अब इसको इस साइड लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो 7 2 6 2 से डिवाइड करो 3 6 4 3 6 4 ठीक है फिर 2 से डिवाइड नहीं 3 6 3 होगा 363 होगा 36 ठीक है हाँ 3 से डिवाइड करो 1 2 1 किसका होता है 1 टू 1 11 का स्क्वायर होता है तो 11 इंटू 11 1 लो। अब 1452 को स्प्रेड करना है तो देख लो ना 11 3 जा 33 2 2 जा 4 इंटू 11 44 44 माइनस 33 हो गया 11 तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 44 और यहाँ से भी x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे बचेगा माइनस 33 यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 44 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इधर सिंप्लीफाई करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 44 और x इज इक्वल टू 33। Speed cannot be negative, therefore speed of passenger train कितनी हो जाएगी बेटा x है so 33 किलोमीटर पर आवर ओके। और हमें दोनों की स्पीड फाइंड करनी है बोथ द ट्रेन्स तो दूसरी भी लिखनी पड़ेगी एंड therefore स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है x प्लस 11 मतलब कितनी हो जाएगी 44 किलोमीटर पर। डन ठीक है चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन फाइनली क्या हो रहा है ये डिजिटल पैड मेरी हैंडराइटिंग खराब कर देगा। ओके सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर ये पहला स्क्वायर ये दूसरा इसका एरिया वन इसका एरिया टू ठीक है ओके। दोनों का एरिया इसका एरिया वन और इसका एरिया टू हाँ अब क्या बोला इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड इसकी साइड क्या होगी साइड वन और इसकी साइड क्या होगी साइड टू। अब सबसे पहले देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वन माइनस पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू इज इक्वल टू 24 मीटर। अब पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ 4 इंटू साइड वन आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा लाइव क्लास में पूछा होता तो आधे से ज्यादा बच्चे गलत बताते
और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू क्या होगा, 4 इंटू साइड 2 इज इक्वल टू 24. अब 4 कॉमन निकाल, तो साइड 1 माइनस साइड 2 इज इक्वल टू 24, 4 उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो साइड 1 माइनस साइड 2 इज इक्वल टू 24 बाय 4 6 हो जाएगा. अब देखो हमारे पास दो अननोन है, तो हम क्या करेंगे, लेट साइड 2 इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर साइड 1 क्या हो जाएगी, ये उस साइड जाएगी, तो 6 प्लस x मीटर हो जाएगा. डन, ये इतनी भेजा हमारी सिर्फ इसके लिए. अब तो सिंपल है, अब क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468. पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं. क्लियर हो गया ना बेटा इतना पक्का? चलो तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू 468. एरिया 1 बताओ, एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 कितना है, एरिया 1 क्या है, एरिया 1 होगा साइड 1 का स्क्वायर. एरिया 1 होगा आपका साइड 1 का स्क्वायर. एरिया 2 क्या होगा, साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468. साइड 1 आपको क्या मिला, 6 प्लस x का होल स्क्वायर. साइड 2 क्या मिला, x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468. यह क्या हो जाएगा, 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 468. ये देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा प्लस 36, इसको इस साइड लेके आओ तो माइनस 468 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 12x, 36 माइनस 468 कितना हो जाएगा, 432 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूं, सो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो 216 इज इक्वल टू 0. तो 2 सेट चला जाएगा तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0. किसका मल्टीप्लिकेशन 216 होता है, तो 18x माइनस 12x 6x होगा और 18 इंटू 12 216 होता है. नहीं पता चला तो आपके पास एक ही मेथड है, 2 से डिवाइड करो 108, 2 से डिवाइड करो 54, 2 से डिवाइड करो 27, 3 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1. अब चेक करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 18 और 12 हो गया. आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, जितना आप रीअरेंजमेंट करोगे स्पीड और बढ़ेगी. ये x, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 18, यहाँ से भी x प्लस 18 कॉमन निकलना है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 12. तो फाइनली आपके पास क्या बचा, x प्लस 18 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू 12. और आपको पता है साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना, फाइंड द साइड ऑफ 2. तो साइड 1 जो आपकी x है कितना आ जाएगा, 12 मीटर, सॉरी साइड 2 आपकी x है और साइड 1 क्या है आपका x प्लस 6, मतलब वो कितना हो जाएगा, 18 मीटर. मतलब जिसको आप नेगलेक्ट करोगे ना वही दूसरा आंसर होगा, नक्की है. ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. सो फाइनली काफी लंबा लेक्चर था, खत्म करते हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवानी है, फिर इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मैथ्स में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आप चाहे सब, मजा आएगा. छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने में मजा आता है. तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से पता चला होगा. प्लीज रिवाइज करिए, प्लीज रिवाइज करिए, प्लीज रिवाइज करिए. ओके, टेक केयर बेटा.